किसी तरीके से वो लोग जिनमें देश से प्रेम है, जो समाज को उच्च दर्जे पर देखना चाहते हैं, वो सब इसी तरीके से कार्यक्रम कर रहे हैं। अब ये है कि भाई हमेशा कैसे रहे गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी हमेशा कैसे रहे, ये हमको देखना है। जो अगली पीढ़ी है, क्योंकि उन्होंने देश के लिए काम किया, समाज के लिए काम किया और उससे हटकर पूरी दुनिया के लिए काम किया। अब शांति तो पूरी दुनिया को चाहिए ना, शांति पूरी दुनिया को चाहिए, अमन चैन पूरी दुनिया को चाहिए, सुख सारी पूरी दुनिया को चाहिए। अब पूरी दुनिया को चाहिए तो गांधी को रखना होगा, लाल बहादुर शास्त्री को रखना होगा। तो बच्चे इसलिए यहाँ बहन जी बुलाती हैं, बहुत अच्छा करते हैं वो, तो बच्चे बड़ों से ज़्यादा समझदार होते हैं कई बातों में, इसलिए होते हैं कि कई बातों को समझने की कोशिश करते हैं। और चूंकि अगला जो समय है, भविष्य जो है, वो उनके हाथ में है, कल को बड़े होंगे, अगर वो लायक हो जाएंगे तो देश लायक होगा, अगर बच्चे अच्छे होंगे तो देश अच्छा होगा, अगर बच्चे ईमानदार होंगे तो देश ईमानदार होगा, अगर बच्चे बहादुर होंगे तो देश बहादुर होगा। क्यों? क्योंकि कल को उन्हें संभालना है सारा। तो इसलिए ये बहन जी भी बहुत ये बढ़िया तो है, बहुत सारी बात, ये भी किले पे जाना आना, वहाँ से खाली आश्रम से यहाँ एक एक्सरसाइज करना, ये छोटा काम नहीं। दे भाई ये सारे भाई आए हैं अपने, सब क्या ले रहे हैं, चरखा, चरखा, चरखे, अब चरखे का नाम ही नहीं जानते। तो इससे ये भी होता है कि पुनरावृत्ति होती है, कभी चरखे भी है। इस चरखे से ही गांधी जी ने देश को जोड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के विरुद्ध गांधी जी ने इस चरखे के साथ ही पूरे के पूरे देश को एक कर दिया था। तो इस तरीके की जो बातें हैं, ये बच्चों को इकट्ठा करना, ये भी इनकी अच्छी बात है। जो आ रहे हैं वो भी अच्छे लोग हैं, अच्छे अध्यापक हैं, अपने बच्चों को लेके आए हैं कि भी ऐसी अच्छी अच्छी बातें सुन लें। तो मैं दो बात कह के, चूँकि बहुत सारा कार्यक्रम है, मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। दो बातें लाल बहादुर जी के बारे में करूँगा और दो बातें गांधी जी के बारे में। ये तो बहुत सारी बातें, अब आप ये देख रहे हैं, जहाँ गुण है वहाँ दुर्गुण भी होते हैं, अच्छे लोग वो होते हैं गुण को पकड़ लेते हैं, दुर्गुण को छोड़ देते हैं। अच्छा आप ये बताएं, चलिए दूध तो आप सब जानते हैं, दूध हाँ जी करो, सब जानते हैं, दूध का लोटा और उसमें थोड़ा पानी आप रख दें तो पानी क्या हो जाएगा, दूध। अब इसे एक सीख तैयार रखो, अच्छा काम पर एक सीख मिलती है कि जब हम अपने से अच्छे व्यक्ति का संपर्क करते हैं, उनके समीप जाते हैं, तब अच्छे हो जाते हैं, उनके गुणों को हम अपने अंदर धारण करते हैं। तो ये गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे बहुत और हैं, लेकिन चूंकि उनका है आज विशेष रूप से जन्मदिन, तो उनके समीप आने की कोशिश है हमारी, तो उनसे कुछ अच्छी बातें हम कहें। लाल बहादुर शास्त्री कद में बहुत छोटे थे, मुझसे भी छोटे, हालांकि मैं भी बहुत बड़ा नहीं हूँ, पर मुझसे भी छोटे थे, पर बहादुर थे वाकई, और देश के लाल भी थे। नेहरू के बाद देश में सवाल पैदा हुआ कि पंडित नेहरू के बाद देश का कैसे चलेगा काम, तो लाल बहादुर शास्त्री के हाथ देश की बागडोर सौंप दी, और कमाल है उस व्यक्ति का, वो बातें नहीं कहता कि जैसे आप बैठे हो, बिल्कुल इसी तरीके से नीचे बैठकर लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी शिक्षा ग्रहण की, वो किस्सा नहीं कहता हूँ मैं, आगे की कहता हूँ। प्यारे बच्चों, स्वार्थ में बहुत सारी बातें होती हैं, पड़ोस में है हमारा पाकिस्तान, हालांकि वहाँ भी अच्छे आदमी हैं, बहुत बहुत अच्छे अच्छे आदमी हैं, पर दूसरे तरीके के भी हैं जो तोड़ने पे लगे रहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के वक्त में पाकिस्तान ने हमला कर दिया,
अब लोग ये सोच रहे कि कुछ कहते भी नहीं, शांति वाले आदमी हैं, ये क्या करेंगे, ऐसा कहते हैं। ठीक है, वो अपने बंदोबस्त में लगे रहे। लाल बहादुर शास्त्री, प्यारे बच्चों, आपको हम ये बता देते हैं कि वहां से किसी ने ये कहा कि हम सीमा पार करके दिल्ली तक जाने में हमें कोई दिक्कत नहीं। प्यारे बच्चों, तो लाल बहादुर, आपको तो समय लगेगा, लेकिन हमारा देश जहां तक है, अगर वहां से टहलते टहलते चलेगा तो कराची में जा पहुंचेगा। आत्मविश्वास की बात ही है। पर प्यारे बच्चों, इतिहास ये बताता है कि जब ये काम शुरू हो गया कि लाल बहादुर शास्त्री, उनकी सीमा, किसी ने कहा कि वो सीमा तक आ गए हैं, तो शास्त्री जी ने तुरंत, बहुत तुरंत बुद्धि थे वो, उन्होंने कहा कि आप अंदर घुसे, एक सेकंड नहीं लगाया उन्होंने कि वो सीमा पे आ गए हैं तो आप अंदर घुस जाए। प्यारे बच्चों, वो अंदर घुस गए। और मैं आपको ये बताता हूं कि जो सीमा पे लोग थे, सामान्य लोग, खेती बाड़ी वाले, उन्होंने बड़ा सहयोग किया। क्या सहयोग किया कि जब ऊपर होता है ना कोई सैनिक, तो छतरी सी होती है, कहते उससे नीचे उतरते हैं। सीमा के लोगों ने उन लोगों से, द्राकियों से मुकाबला किया, लाल बहादुर शास्त्री की वजह से। और वहां से अपने छकड़े, छकड़े अब आप नहीं जानते, पुराने लोग जानते हैं, बैलगाड़ी बड़ी होती थी जिसमें सामान लाद सकते थे, तो वहां के जो लोग थे सीमा के, उन्होंने बैलगाड़ियों में यहाँ से हथियार, चूंकि वाहन तो काम आ रहे थे, उन्होंने हथियार और बहुत सारी चीज जो थी छकड़ों में भर भर के वो सीमा पार ले गए। और वहां हथियार तो बहुत उतार दिए, और वहां से खाली नहीं आए, फिर वो गन्ना वहां भी बहुत होता है, तो वहां से बहुत लाद लाद के इकट्ठा करके लाद के अपने आ लिए। और प्यारे बच्चों, फिर समझौते पे आ गई बात आखिर में, जिसे युद्ध विराम कहते हैं। माला का आयोजन चल रहा है, कृपया सभी ध्यान से। मैडम आप थोड़ा साइड में हो जाइए, आ गए ना, आ गए ना, आ गए ना, आज गांधी जी को लोग मानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री को मानते हैं, इसलिए नहीं मानते आप ये तरह साधारण बच्चे थे, जिस तरह से आप गलतियां करते हैं वो भी गलतियां करके पढ़े लिखे हैं, उन्होंने भी झूठ बोला है, उन्होंने भी चोरी की है, बचपन में सब कुछ किया है। गांधी गांधी पैदा नहीं हुए थे, गांधी बने थे, उन्होंने व्यक्तित्व का अपना विकास किया था धीरे 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 धीरे। उस समय अंग्रेज जो ज्यादतियां हमारे हिंदू भाइयों पर, बहनों पर कर रहे थे, सब बर्दाश्त कर रहे थे। गांधी थे जब उनको रेल के डब्बे से, उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया और वो बैठ गए, एक अंग्रेज ऑफिसर आता है उनका सामान लेके उनको स्टेशन पे ऐसे करके फेंक देता है, बाकी यात्री जो बैठे थे स
सब बर्दाश्त करते थे, गांधी ने बर्दाश्त नहीं किया और वो गांधी बन गए जो आज हम बैठ के यहाँ याद कर रहे हैं। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, निडरता से उठाना, भयभीत ना होना और किसी भी यातना के लिए अहिंसा के रास्ते को पालन करते हुए डटे रहना, ये गांधी थे। आज हमें सीखना है उनसे और वो जीवित है तभी हम बैठे हैं, इसलिए लोग नाम ले रहे हैं। तो इसी से एक प्रश्न बच्चों में डालती हूँ, देखती हूँ कितने बच्चे अवेयर हैं। आज के दिवस को अंतर्राष्ट्रीय रूप में क्या नाम दिया गया है? जल्दी से हाथ खड़ा करो, खड़े हो जाओ फटाफट। हाँ ये बच्चा पहले, हाँ 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 दोनों नहीं, हाथ खड़ा वो पहले खड़ा हुआ। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस एक नाम से और है, कोई बता पाएगा? तुम ही बताओ, एक नाम और है तो अंतर्राष्ट्रीय नाम है, एक नाम और, कोई भी बच्चा? कोई नहीं, वाह चलो इतना तो याद है, इस बच्चे के लिए ताली बजाओ। आ जाओ अब मैं बात बताती हूँ, ये अंतर्राष्ट्रीय, अच्छा सन भी बता सकोगे, कौन से सन में अंतर्राष्ट्रीय रूप में अहिंसा दिवस घोषित किया गया? आ जाओ जो शाबाश, ये नहीं बता पाएगा कोई और, कौन से सन में? नहीं, 2007 में। तो 2007 पहले आता है कि 2015 पहले आता है? पक्का? मुझे तो लग रहा 2015 पहले आ गया, शायद मेरा मैथमेटिक्स कमजोर है। तो 2015 में हमारी भारत सरकार ने इसको स्वच्छता दिवस के रूप में घोषित कर दिया और आज हिंदुस्तान में बहुत सी जगह स्वच्छता दिवस मनाया जा रहा है। औचित्य नहीं है, मैं इसको औचित्य नहीं मानती। जो पहले ही अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित था, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब समझते हो, केवल हमारे देश का नहीं पूरे विश्व में जितने देश हैं वो इसको अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मना रहे हैं आज गांधी जी को, और हम भारत उसको स्वच्छता दिवस मना के उसको इतना छोटा कर रहे हैं, है ना अजीब बात। तो मुझे औचित्य नहीं लगता, पर बता दिया मैंने तुम्हारी जनरल नॉलेज के लिए। तो इस बच्चे ने थोड़ा सा जवाब दिया, फिर भी मैं इसको प्रोत्साहन के लिए थोड़ा सा जरूर कुछ दूंगी। अमर ज्योति का बच्चा, शाबाश, बहुत अच्छा। शास्त्री जी को किस उपाधि से नवाजा गया? एक प्रश्न का और जल्दी से जवाब दो, खड़े हो जाना जिसके पास जवाब है, हाथ नहीं करना, तुरंत खड़े हो जाओ। शास्त्री जी को किस उपाधि से भारत में नवाजा गया था? किसी के पास जवाब है?